NTAUGCNET, Yanin ImageNet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, NTAUGCNET रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 3। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेप ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के सोपान। इसके अंदर दोस्तों हम सिंपल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, रिसर्च प्रपोजल और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि NimageNet है तो GRF है। देखिए ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं कि वो सिंपल रिसर्च के स्टेप याद रख लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो हर स्टेप होते हैं उसके अलग अलग स्टेप हो सकते हैं, तो इसलिए हमें अलग अलग रिसर्च के स्टेप पता होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के अंदर कभी वो एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ लेते हैं, कभी वो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, तो कभी किसी के बारे में, तो इन सभी स्टेप के रिसर्च हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रिसर्च की, बात करते हैं रिसर्च के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे कि रिसर्च के क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं। तो रिसर्च की बात करें तो दोस्तों रिसर्च एक व्यवस्थित तरीके से और साइंटिफिक तरीके से की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल रिसर्च के बारे में जानते हैं, सिंपल रिसर्च के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सिंपल रिसर्च के अंदर दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों ये यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों रिसर्च करने के दौरान सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का चुनाव करना हमारे लिए सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद में दोस्तों नंबर दो पे आता है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो हमने समस्या का चुनाव किया है उस पर कितना काम पहले हो चुका है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमें ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जिस पे पहले काम ना हो चुका हो, यानी कि जिसका समाधान अभी तक ना मिला हो। और एक अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि मान के चलिए कोई बंदा मोबाइल की खोज करने के लिए एक रिसर्च कर रहा है, भाई मैं ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिससे हम 50 किलोमीटर दूर बैठ के बात कर सकते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति रिसर्च करे तो हम उसको बेवकूफ कहेंगे क्योंकि ऐसी डिवाइस दोस्तों पहले बन चुकी है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि जब हम प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर ले तो उसके बाद हमें लिटरेचर सर्वे करना जरूरी है कि हमारी प्रॉब्लम पे आज तक कितना काम हो चुका है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो हमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मेकिंग हाइपोथेसिस, यानी कि जब हम लिटरेचर सर्वे कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तों हमें हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है, परिकल्पना जरूरी है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये पहले से ही हमें पता होना जरूरी है। हमें संभावना यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक गोल डिसाइड होना चाहिए कि हमारी रिसर्च कहाँ तक जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नंबर चार पे रिसर्च डिजाइन, जो हम रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों उसकी पूरी रूपरेखा हमें पता होनी चाहिए कि हमारी रिसर्च कहाँ से शुरू होगी, कैसे कैसे होगी और कहाँ तक जाएगी, पूरा डिजाइन हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नमूना चयन यानी कि सैम्पलिंग। देखिए रिसर्च हम जब करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी डेटा इकट्ठा करना पड़ सकता है हमें और काफ़ी पॉपुलेशन हो सकती है, हर एक पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम रिसर्च के अंदर सैंपल का यूज़ करते हैं, यानी कि एक गाँव के अंदर मान के चलिए 1000 लोग हैं
वहाँ पे हमें 1000 लोगों का सर्वे करना है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे कुछ सैंपल डिसाइड कर लेंगे, भाई एक मोहल्ले में हम 20 लोग लेंगे, इस तरीके से 10 मोहल्ले हैं तो हम क्या करेंगे 200 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लेंगे। तो हमें सैंपल डिसाइड करना जरूरी है दोस्तों, और सैंपल भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों नंबर 5 पे आता है हमारे पास सैंपलिंग। सैंपलिंग के बाद आता है दोस्तों, जब हमने सैंपलिंग डिसाइड कर ली हुई, हमें किस तरह से सैंपल इकट्ठा करना है, कहाँ से इकट्ठा करना है, वो डिसाइड करने के बाद दोस्तों डेटा कलेक्शन होता है। उन सभी सैंपल से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद यानी कि डेटा कलेक्शन के बाद दोस्तों आता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है, परिकल्पना परीक्षण आता है। यानी कि जो हमने डेटा कलेक्शन किया है वो हमारी हाइपोथेसिस के अनुसार है या नहीं है वो हमें जांचना पड़ता है। अगर हमारी रिसर्च हमारी हाइपोथेसिस से बिल्कुल अलग जा रही है तो दोस्तों हमें सोचने की ज़रूरत है कहीं अपनी रिसर्च गलत तो नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद है दोस्तों हमारा नंबर 8 पे सामान्यकरण तथा व्याख्या करना, जनरलाइजेशन करना। यानी कि अगर हमारी रिसर्च हमारी हाइपोथेसिस के अनुसार ही आ रही है, उसके इर्द गिर्द आ रही है, उसके बाद में दोस्तों हम जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यकरण करते हैं। उसके बाद में दोस्तों नंबर 9 पे आता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। उसके बाद दोस्तों हम अपनी रिसर्च का निष्कर्ष निकालते हैं, बताते भाई हमारी रिसर्च का ये रिजल्ट निकल के आया है। नंबर 10 पे दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, लास्ट के अंदर दोस्तों सबसे लास्ट में हम अपनी रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये 10 स्टेप है, इन 10 स्टेप को आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें से दोस्तों अक्सर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और इसमें वो ये कहेंगे कि जैसे मान के चलिए ये 5 स्टेप दे देंगे, 5 स्टेप में ये कहेंगे कि सबसे पहला कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, यानी कि क्रम वाइज सीरीज वाइज लगाना इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि रिसर्च के अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है हमारा, तो इसके अंदर होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। ये दोस्तों ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मैं पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, इसके स्टेप इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि हिंदी में जो नाम है दोस्तों वो चेंज होते रहते हैं, कुछ अलग वर्ड दे देंगे, वो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन आता है, और ऑब्जर्वेशन को हिंदी में देखें तो दोस्तों सह विचरण आता है। अब देखिए सह विचरण से शायद कोई ना समझ पाए कि क्या मतलब इसका, तो इसलिए मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में याद रख लेना। ऑब्जर्वेशन का आप सभी को पता है ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। सबसे नंबर 1 पे आता है दोस्तों ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथीसिस, यानी कि हाइपोथीसिस का निर्माण करना। नंबर 3 पे आता है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और उसके बाद में नंबर 4 पे आता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरीज। और ये स्टेप है दोस्तों आप ये याद रख लेना। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सह विचरण, भ्रामक संबंधों का विचरण, सामान्यकरण और सिद्धांतिकरण, यानी कि लास्ट के अंदर इसके अंदर हम थ्योरी बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें से पहले क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास एक्शन रिसर्च। दोस्तों ये मैं जितने भी स्टेप करवा रहा हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले ही बता रहा हूँ। इनमें से क्वेश्चन 2012 से लेकर सितंबर 2020 एग्जाम तक आए हैं, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं इसके अंदर दोस्तों ये जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। और एक्शन रिसर्च का तो मैं क्या कहूँ यार, एक्शन रिसर्च में तो इतने क्वेश्चन आए हैं, देश जहान के क्वेश्चन आए हैं, और हर बार रिपीट होते हैं दोस्तों इसमें से क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि एक्शन रिसर्च के अंदर इसमें स्टेप पूछते हैं एक्शन रिसर्च के। और इसमें भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में वर्ड जो है वो थोड़े कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको। तो दोस्तों इंग्लिश में इसमें आता है सबसे पहले प्लान बनाना, उसके बाद में एक्ट, फिर ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। इस तरह से आप 4-5 बार दोहराएंगे, बोलेंगे तो अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो दोस्तों योजना निर्माण, क्रियान्वयन, परीक्षण और विमर्श, ये इसका आंसर है। तो ये 4 स्टेप है दोस्तों, कोई लंबे चौड़े स्टेप नहीं है, आप इसको जैसे भी करके याद रख लेना भाई साहब, जैसे भी।
कुछ भी करो, घोटी बनाओ, इंजेक्शन लगवाओ, कुछ भी करो, ये याद होना चाहिए। और दोस्तों एक्शन रिसर्च से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए जो रिसर्च यूज होती है वो एक्शन रिसर्च होती है, यानी कि तात्कालिक किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। हमने दोस्तों एक और वीडियो बना रखी है टाइप ऑफ रिसर्च, उसके अंदर एक्शन रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से बताया, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना दोस्तों। एक्शन रिसर्च में से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे हम बात करते हैं शोध निबंध के तत्व दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों नंबर एक पे आता है इंट्रोडक्शन आता है यानी कि प्रस्तावना, नंबर दो पे आता है लिटरेचर रिव्यू आता है, और नंबर तीन पे आता है दोस्तों रिसर्च मेथडोलॉजी आता है इसके अंदर, नंबर चार पे है दोस्तों रिजल्ट आता है, और नंबर पाँच पे आता है डिस्कशन एंड कंक्लूजन आता है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना दोस्तों, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसके अंदर। नंबर पाँच पे है दोस्तों हमारा स्टेप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर दोस्तों नंबर एक पे जो हमारा स्टेप है उद्देश्यों की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नंबर दो पे है दोस्तों तकनीक का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, और नंबर तीन पे दोस्तों हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, नंबर चार पे दोस्तों डेटा कलेक्शन, नंबर पाँच पे दोस्तों हमारे पास डेटा क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ये है दोस्तों, और नंबर छः पे हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग। ये दोस्तों हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे आप याद रख लेना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी करना, आप चाहे रट्टा लगाना, चाहे घूंटी पीना, चाहे इंजेक्शन लगवाना, चाहे कुछ भी करना भाई, आप इनको याद कर लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। छः पे आता है दोस्तों हमारे पास रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट, इसके अंदर दोस्तों नंबर एक पे आता है प्रस्तावना आती है हमारी, और नंबर दो पे एम लक्ष्य क्या है हमारी रिसर्च का, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या क्या उद्देश्य है हमारी रिसर्च के, नंबर चार पे मेथडोलॉजी प्रविधि आती है, नंबर पाँच पे आता है दोस्तों हमारे पास फाइंडिंग आता है, और नंबर छः पे कंक्लूजन आता है, और नंबर सात पे आता है दोस्तों रिकमेंडेशन आता है। तो और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर दोस्तों हम इससे आज तक जितने भी स्टेप ऑफ रिसर्च से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2012 से लेकर सितंबर 2020 एग्जाम तक सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं, इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जीआरएफ है।